हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है साबुन तथा हैंड वॉश। आज के समय में साबुन हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह कोरोना वायरस जैसे घातक दुश्मन से लड़ने में हमारी सहायता कर रहा है। हर कोई साबुन के उपयोग से वायरस से बचने का सुझाव दे रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी गाइडलाइंस में 20 सेकेंड तक साबुन से हाथ धोने को कहा है। आइए साबुन के बारे में जानने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करते हैं। आज के जो मुख्य बिंदु हमारे रहेंगे, साबुन क्या है, यह कैसे कार्य करता है और COVID-19 जैसे वायरस से यह हमारी कैसे रक्षा कर सकता है। साबुन का आविष्कार 2800 BC पूर्व बेबिलोनियन सभ्यता में कर लिया गया था। इसका सर्वप्रथम उपयोग कपड़े धोने में, बर्तन धोने में या फर्श धोने में किया जाता रहा है, परंतु बदलते समय के साथ इसका स्वरूप तथा उपयोग और व्यापक होता चला गया है। आज हमारे पास कई साबुन की कंपनियां हैं। हर कोई दावा कर रहा है कि ये COVID-19 जैसे वायरस में लड़ने की हमारी सहायता कर रहा है, लेकिन सभी साबुन चाहे वो मेडिकेटेड हो चाहे नॉन मेडिकेटेड हो, उनका सबका मकसद एक ही है। वो कैसे कार्य करते हैं, आइए आज हम समझने का प्रयास करते हैं। साबुन के कार्य क्षेत्र को समझने से पहले आइए हम साबुन को जानें कि साबुन है क्या। साबुन का निर्माण जंतु या वनस्पति वसा से किया जाता है, मतलब एनिमल फैट्स या प्लांट फैट्स को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम साबुनीकरण या सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं कि साबुन का जो एक अणु है वो किस प्रकार दिखता है। अगर हम यहां चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं तो जो साबुन का अणु है उसके मुख्यतः दो भाग है। जो आगे का नीला भाग आपको दिख रहा है उसे हमें हेड कहते हैं और जो पीछे का जो भाग है उसे टेल कहते हैं। मतलब साबुन के अणु के दो मुख्य भाग, आगे का हेड, पीछे का टेल। जो हेड वाला हिस्सा है, सर का हिस्सा है, वो हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग एंड, मतलब ये हिस्सा पानी में आसानी से घुल जाता है। जबकि जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं। हाइड्रो मतलब होता है जल और फोबिया, फोबिया का मतलब होता है दूर जाना या डरना। तो हाइड्रो मतलब जल से दूर जाने वाला, या वाटर हीटिंग एंड कह सकते हैं। इसको एक और नाम दे सकते हैं ऑयल लविंग एंड, मतलब तैलीय त्वचा के साथ, तैलीय सरफेस के साथ ये जो टेल है वो आसानी से चिपक जाती है। तो यहां पे हमने समझा कि आपका एक सोप का मॉलिक्यूल कैसे नजर आता है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस प्रकार से क्लींजिंग एक्शन, धोने में ये सोप कैसे कार्य करता है। तो ये हमारी एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक है जिसमें हमारा एक चैप्टर है कार्बोनेट कंपाउंड, उसके पेज नंबर 74 में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 74 में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जैसे मैंने यहां बनाया हुआ है। इसको मी सेल का फॉर्मेशन कहते हैं, मी सेल फॉर्मेशंस। ये क्या है मी सेल फॉर्मेशन, हमने देखा जब किसी साबुन को पानी में घोला जाता है और जब वो किसी तैलीय सरफेस के संपर्क में आता है तो जो उसका टेल का भाग है, जो पूंछ का भाग है, वो तैलीय सरफेस को घेर लेता है जबकि जो हेड पार्ट है वो मुक्त रहता है। जब इसको पानी के अंदर अच्छी तरह कपड़े को खंगारा जाता है तो जो हेड पार्ट है वो पानी की तरफ आकर्षित होता है और साथ में मैल या तैलीय सरफेस को भी अपने साथ पानी में ले आता है और हमारे कपड़े जो होते हैं वो डर्ट फ्री हो जाते हैं या मैल मुक्त हो जाते हैं। तो हमने देखा कि कपड़े धोने में या साबुनीकरण में एक प्रोसेस या फॉर्मेशन हो रहा है, मी सेल्स का फॉर्मेशन। आइए नेक्स्ट हमारा हम देखते हैं कि ये COVID-19 जो वायरस है वो कैसा नजर आता है,
ये देखिए एक मैंने चित्र बनाया है, कोविड-19 वायरस का एक स्ट्रक्चर है। अगर हम देखते हैं जो मध्य बीच का जो भाग आपको छल्ले नुमा नजर आ रहा है, वो छल्ले नुमा जो संरचना है वो आपका डीएनए या आरएनए है। मतलब उस विषाणु का डीएनए या आरएनए है जिसको हम इन्फेक्टिव मटेरियल कहते हैं और यही संक्रमण का मुख्य कारण बनता है। ये जो इन्फेक्टिंग मटेरियल डीएनए या आरएनए है वो चारों तरफ से लिपिड बायलेयर के द्वारा एनवलप्ड होता है, मतलब घिरा होता है। अगर हम वायरस के स्ट्रक्चर को सामान्य रूप से देखें तो वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, दो चीजों से बना हुआ है। एक बाहरी आवरण जो लिपिड लेयर का बना है, वसा का, और अंदरूनी हिस्सा जो है वो इन्फेक्टिंग मटेरियल है, वो डीएनए या आरएनए के रूप में। मतलब हर एक कोशिका के अंदर हमने देखा डीएनए या आरएनए, हमारे कोशिकाओं के अंदर भी डीएनए या आरएनए उपस्थित होता है। आइए देखते हैं कि ये साबुन किस प्रकार से इस वायरस के ऊपर कार्य करता है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जो ये बाहरी लेयर है वो किसकी बनी हुई है, वसा की बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है, जिसके ऊपर साबुन बड़ी आसानी से कार्य कर सकता है। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं कि जब भी कोई, जैसे हमने पहला चित्र नंबर 1 जो है, जो डायग्राम है वो एक हमने कोविड-19 वायरस को प्रदर्शित किया है। जब हम साबुन के संपर्क में ये कोविड-19 वायरस आता है तो आप देख रहे होंगे कि जो नीले और पिंक कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला हिस्सा, वो वायरस के जो बाहरी सरफेस जो मैंने आपको बताया उसके साथ अटैच हो जाते हैं। कारण क्या है, हमने पहले ही बताया कि जो साबुन का जो अणु है उसका जो पीछे का हिस्सा है वो क्या है, ऑयल लविंग एंड है, मतलब वसा से वो आसानी से चिपक सकता है। और हम जानते हैं वायरस की जो बाहरी सतह है वो किसकी बनी हुई है, वसा की बनी हुई है। तो हमने देखा कि ये जो सोप के अणु हैं चारों तरफ से क्या करते हैं, इस सरफेस को चिपक जाते हैं। जब हम बहते पानी में हाथ धोते हैं तो जो वाटर लविंग एंड है, जो जल में घुलनशील जो उसका हेड सिरा है, वो पानी के से आकर्षित होकर वो आपका ड्रेन आउट हो जाता है इनटू द सिंक। असल में हम इस साबुन से वायरस को किल नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर ओनली वाइपिंग दिस वायरस एंड सेंडिंग डाउन टू द ड्रेन इंस्टेड ऑफ किलिंग। मतलब जब देखा साबुन ने क्या किया, इस वॉल को ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट चित्र आपका 3rd जो डायग्राम है उसमें आप देख रहे होंगे जो ये वॉल है वो ब्रेक कर गई है। साबुन ने इस वॉल को क्या किया, लिपिड के वॉल को ब्रेक किया। अब इस तरह से ये पूरी वॉल ब्रेक होगी और जो अंदर का न्यूक्लियर मटेरियल है डीएनए या आरएनए, वो क्या होगा, पानी से आसानी से, मतलब वो अब किसी के साथ सतह के साथ संपर्क में नहीं आ सकता, चिपक नहीं सकता, वो आसानी से पानी के साथ बहकर आपका ड्रेन आउट हो जाएगा। तो हम वायरस को साबुन से मारने के अपेक्षा हम क्या कर रहे हैं, उसको ड्रेन आउट कर रहे हैं। तो ये पूरी वीडियो आज की हमारी हाउ डू सोप और हैंड वॉश वर्क्स पे कार्य करता है। मैंने इस वीडियो को एक्चुअली एक नाम दिया है कोरोना अस्त्र। जैसे हमारे ब्रह्मास्त्र है उसी तरह कोरोना से लड़ने का ये सबसे बड़ा इस समय अस्त्र है, जिसको मैंने कोरोना अस्त्र का नाम दिया है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरा प्रयास किया है समझाने का और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आपको इस तरह की वीडियोस लगातार आपको मिलती रहे, क्योंकि मकसद मेरा बताना है, जताना नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।